हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस, तो यार काफी दिन हो गए हमने कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और खास कर तो किसी भी एसिड के साथ में। तो गाइस यार, हमारे पास है आज फिर से सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, सबसे खतरनाक एसिड्स में से एक, और साथ ही साथ एक स्पॉन्ज। तो आइडिया ये है कि हम सिंपली सबसे पहले इस स्पॉन्ज को पानी के अंदर कुछ इस तरीके से गीला कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया गीला, इसका हल्का सा पानी निकाल देते हैं, बस इतना काफी है। और अब हम सिंपली इसे रख देते हैं इसके अंदर, और क्योंकि हम एसिड्स के साथ में वर्क कर रहे हैं तो सेफ्टी भी जरूरी है, तो हम इन ग्लव्स को पहन लेते हैं, क्योंकि यार एसिड से रिस्क लेना कोई अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। राइट गाइस, तो ये रहा एसिड, तो चलो डालते हैं इस एसिड को इस स्पॉन्ज के ऊपर और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट, वो ओ माय गॉड, देखो यार, ओ एसिड ने इस स्पॉन्ज की 12 बजा दी है। ओ माय गॉड, देखने में सच में काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है। राइट गाइस, तो यार किसी भी केमिकल के साथ में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसकी सबसे बुरी चीज़ होती है उसमें से निकलने वाली स्मेल। गाइस, इसके अंदर से यार इतनी बुरी स्मेल निकल रही थी जैसे कि यार कोई सड़ा हुआ जानवर नहीं होता, उससे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। तो मैं ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुक पाया, जो मेरा कैमरामैन है उसको तो मैंने पूरी सेफ्टी के साथ में रख रखा है, यानी कि मास्क वगैरह उसने पहन रखा है, लेकिन मुझे बोलना होता है वीडियो में, इसलिए मैंने नहीं पहना है, तो मैं सिंपली इतनी दूर आ गया। तो गाइस, सच में काफ़ी खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, इसके पीछे का रीज़न भी काफ़ी सिंपल है। हमने सिंपली स्पॉन्ज को पानी के ऊपर डुबो दिया, मतलब पानी के अंदर डुबो दिया, और जब हम पानी के ऊपर एसिड डालते हैं तो एक कमाल की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, और उसी हीट से जो स्पॉन्ज है वो जल गया। वैसे अगर आप स्पॉन्ज पे जो एसिड है उसे डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ओके गाइस, तो यार काफ़ी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।